आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिक टाइम। एपी सीक्वेंसेस, जीपी सीरीज के आसपास कौन कौन सी ट्रिक बनती है, बड़ा बहुत सारी ट्रिक बनती है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ट्रिक बताना शुरू करता हूँ, जिससे आप थोड़ा बहुत खुद को मजा दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स का बहुत मजा ले सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। बेटा मैं बहुत सिंपल बेसिक, सबसे पहले तो बेसिक ट्रिक है मेरे पास, अगर मैं बताऊं आपको पता है 1+2+3+4 ये चल रहा है मेरा बेटा एपी में, चल रहा है मेरा एपी में, एक सीरीज चल रही है। तो बेटा इन सब का सम, इन सब का सम आता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये डायरेक्टली सम है, इसको चेक कर सकते हैं। पहले तो आप कुछ भी कर लो, इसमें n इंटू एन प्लस वन बाय टू इसका सम का पार्ट होता है। सर तो चेक कैसे करें, सबसे पहले अगर मेरे को कोई बोले कि सर 1+2+3+4 का आप सम निकाल के दिखाओ इस फॉर्मूले से, तो बेटा अपना 1+2+3+4 टर्म कितनी है, चार टर्म कितनी है, चार, तो मैं n की जगह पे पुट करूंगा बेटा चार, चार इंटू चार प्लस एक, चार प्लस एक मतलब कितना हो गया बेटा पांच, चार प्लस एक और अपॉन में कितना टू, तो ये वन सा, ये कितना हो गया टू सा, तो बेटा दो इंटू पांच इज इक्वल टू कितना गया दस, प्लस अगर देखें 1+2+3+3+6+4 कितना हो गया टेन। सर इसी में अगर मैं बोलूं मेरे को 1+2+3+4+2 लेट्स से मैं किसी को बोलूं मेरे को 99 तक का सम चाहिए, कहां तक का सम चाहिए 99 तक, बेटा अपना आप कैलकुलेटर यूज करो, मैं बिना कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, देखते हैं आंसर किसके पहले आता है। मैं वो कैलकुलेटर से भी फास्ट आंसर लगे दिखाऊंगा कि मेरा फॉर्मूला तो ये बोलता है कि अगर वन से कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यूस चल रही है तो उसका फॉर्मूला चाहिए एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा 99, n है मेरा 99 प्लस 1 बाय 2, इसका मतलब 99 इंटू 100 बाय 2, इसका मतलब 9900 बाय 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4950। आपके कैलकुलेटर पे आप करो 1+2+3+4, आपका कैलकुलेटर लेट हो जाएगा, मेरी ट्रिक फास्ट हो जाएगी। सर ऐसा कैसे, आप कुछ और बता पाओ। चलो अगर आप चेक करें, लेट्स कॉम्पीट विद योर कैलकुलेटर एंड माय ट्रिक। अगर हम बात करें तो मैं नया एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, हम लोग एडिशन निकालेंगे 1+2+3+5 3+4+ अप टू, मेरे को चाहिए लेट्स से आप, मैं बोलूं जहां तक आप बोलो, लेट्स से अपन ले लेते हैं इसको अप टू 1000 तक ले लें, 1000 तक आप करते रहो 1000 तक। मेरी ट्रिक तो क्या बोलती है, जहां आपको 1000 तक लेना है तो 1000 × 1000+1 / कितना 2, तो बेटा ये तो 500 हो गया, मेरे को तो कुछ नहीं करना, 500 × 1001 करना है। जैसे ही 500 × 1001 करना है, मुझे पता है कि मेरा आंसर आने वाला है 5005, आगे दो जीरो, तो ये आ गया मेरा 5,500। आपका कैलकुलेटर यूज कर लो, आपका कैलकुलेटर यूज कर लो, मेरा आंसर आ चुका है 5,500। आप कैलकुलेटर पे दबाते रह जाओगे 1000 तक, जब तक आप दबाओगे उसके पहले आपका आंसर आ चुका है। सर ये तो बहुत सिंपल सी ट्रिक हुई, इसका और कोई एक्सटेंसिव यूज, अगर मैं अभी के अभी आपको इसका एक एक्सटेंसिव यूज बताऊं, सर व्हाट इफ हमारी सीरीज वन से शुरू नहीं हो रही है, तो आपने तो एक कंडीशन डाल दी इस ट्रिक के अंदर कि वन से शुरू होनी चाहिए। हाँ यार बेटा ये वन से शुरू होना चाहिए, लेकिन सर कोई सीरीज मेरे को ऐसे बीच से चालू करती हुई मिल जाए, बीच से चालू होती हुई मिल जाए कोई ट्रिक, कि कोई मुझे ऐसा बोले चल अब मेरे को 35 से 35+36+37 up to let's say मेरे को 99 तक का सम बताओ। अब सर आपने तो हमको प्रॉब्लम में डाल दिया, क्यों प्रॉब्लम में डाल दिया, क्योंकि आपने तो हमको वन से सिखाया, ये कहां से आ रहा है बेटा 35 से, एक्सेप्टेड, कोई चिंता की बात नहीं है। जब ये 35 से 99 तक का बोल रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, एक काम देख, अपन कुछ नहीं करेंगे, 35 के पहले क्या आया होगा 1+2 up to 34 आया होगा, अपन है ना पूरी सीरीज का 1 to 99 तक का पहले तो सम निकाल लेते हैं। चलो हेल्प करो, सम ऑफ 99 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 99 × 99+1 अपॉन में बेटा कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा, अभी अपन ने निकाला था 99 × 100 / 2, तो अपना आंसर था 4950, ये तो 2 मिनट में निकल जाएगा। अब बेटा तू 1 से लेके 34 तक का सम निकाल ले, तूने पहले यहां से लेके यहां तक का करा, अब तू 1 से लेके 34 तक का निकाल ले। जब तू 1 से लेके 34 तक का निकाल लेगा तो निकाल के देखते हैं, निकालते हैं सम ऑफ कितना 34, तो अपन फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे 34 × 34+1 35/2 वनजा ये 17 × 35 कर लो, अगर कर पाते हो तो, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 17 × 35 / 5 ये तेरा आ गया बेटा 595। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता, अब ये समझ में आ गया। अब बता मेरे पास एक सम है यहां से लेके यहां तक का और एक समय यहां से लेके यहां तक का, अगर लॉजिकली बोलूं तो इस पूरे समय से अगर इसको कट मार दो,
कट मार दूं, मतलब माइनस कर दूं। अगर मैं 1 to 99 में से 1 to 34 माइनस कर दूं, मतलब -595 कर दूं, तो जो मेरे पास आंसर आएगा, 595 करेंगे तो मेरे पास आंसर आने वाला है 4355 शायद। एक बार आप चेक करीजिएगा, 4355 मेरे पास आंसर आएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, 35 to 39। क्या थोड़ा समझ में आया बेटा? दिस वॉज ट्रिक नंबर वन। इसी वीडियो में अपन एक और ट्रिक लेते हैं। क्या यहां तक का समझ में आया बेटा? वन से लेके एन टंक का टर्म्स का सम क्या होता है, n(n+1/2)। ये आगे चल के जो बच्चे मुझसे 11th या 12th या CPT CA फाउंडेशन या CAT पढ़ रहे हैं, उनको ये ट्रिक बार बार काम आएगी। ये सब आपको यू भी याद होना चाहिए, ये ट्रिक आपको यू भी याद होना चाहिए। सो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन बेटा, प्लीज इस ट्रिक को नोट डाउन कर लो। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक।